हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का लिप्स बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। इस क्राफ्ट को बनाना बिल्कुल आसान है। इसको जब हम कुछ इस प्रकार से प्ले कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। एंड अपने चैनल पर इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हम दो कलर का पेपर रखे हुए हैं, एक व्हाइट कलर, एक पिंक कलर का पेपर। आप कोई भी दो कलर का पेपर आप रख सकते हैं। जिस कलर में आप लिप्स बनाना चाहते हैं उस दो कलर का पेपर आपको रखना, या फिर कोई ऐसा पेपर जो एक साइड से व्हाइट हो एक साइड से कोई और कलर हो, तो वो पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो पेपर है, इस पेपर का साइज हमारा A4 साइज है। इस पेपर को क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर शेप पेपर में इसको हम कट कर लेते थे। स्क्वायर शेप कट करने के लिए इस पेपर को कुछ इस प्रकार से ऐसे करके हमको फोल्ड करना होगा। एंड फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा एरिया है इधर का, इसको हम क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम कट कर चुके हैं। ये हमारे पास स्क्वायर शेप पेपर है। इसमें हमको फेविकॉल वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये क्या है कि एक दूसरे से चिपक जाता है। अब इधर से भी क्या करेंगे, एक फोल्ड हम इधर से भी एक हाफ फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। अब हम जब इसको खोलते हैं तो ये आप देख रहे हैं, एक फोल्ड हमारा इधर से है एंड एक फोल्ड हमारा इधर से है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये आपको देखना है। यहाँ से ऐसे करके पहले हाफ फोल्ड हम कर दिए। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है, इसको आपको तीन भाग में डिवाइड करना है। आप अंदाज से भी इसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आपको यदि अंदाज से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, स्केल से मेजरमेंट करके इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम अंदाज से कर रहे हैं तो अंदाज से भी हमारा क्या है कि एकदम परफेक्ट हमारा डिवाइड हो जाता है। तो आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आपको इसको करना है। नहीं समझ में आए तो आपको स्केल से क्या करना है, मेजरमेंट करके इसको डिवाइड करना है। तो ये आप देख रहे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ये तीन पार्ट में हमारा क्या हो गया, डिवाइड हमारा हो चुका है पेपर। इसके बाद इस पार्ट को यहाँ से ऐसे करके हम हाफ फोल्ड करेंगे। सेम हम इधर वाले पार्ट को भी करेंगे। नेक्स्ट फोल्ड हमारा यहाँ से यहाँ का हाफ फोल्ड करना है। सेम इधर से भी कर लेते हैं हाफ फोल्ड। इसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच का एक और हाफ फोल्ड हमको तैयार करना है। सेम इधर भी करेंगे फोल्ड। और एक और लास्ट हमारा फोल्ड तैयार करना है, जो कि यहाँ से यहाँ के बीच का हमको फोल्ड तैयार करना है। तो कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार करते चलना है। इसमें कोई हार्ड फोल्ड नहीं है, तो आपको क्या है कि बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फोल्ड करते चलना है हाफ फोल्ड। तो इस प्रकार का आपका फोल्ड तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसको खोल लेना है। खोलने से पहले आपको ये ध्यान देना है, ये जो भी हम दो तीन फोल्ड यहाँ पर तैयार किए हैं, इस दो तीन फोल्ड को आप दोनों साइड से तैयार कर लेंगे। इससे एक बेनिफिट ये है कि जब आप बाद में अब इसको फोल्ड करेंगे तो आपको आसानी से फोल्ड हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको काफ़ी दिक्कत होगा नेक्स्ट फोल्ड तैयार करने में। क्योंकि जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पहले से ऑलरेडी वो फोल्ड किए हुए रहते हैं दोनों साइड से, लेकिन वो आपको एक ही साइड से दिखाते हैं, इसलिए उनका फोल्ड आसानी से हो जाता है। लेकिन आप जब वो चीज़ ट्राई करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये फोल्ड को आपको क्या करना है, दोनों साइड से फोल्ड तैयार कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का फोल्ड। सेम हम इधर भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले ही हम इस प्रॉब्लम का सलूशन हम कर देते हैं कि बाद में हमारा ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, इसलिए हम दोनों साइड से हम इसको हम फोल्ड कर दिए हैं। अब इजी वे में क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट फोल्ड हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, पूरे का पूरे पेपर को हम खोलेंगे। यहाँ से ऐसे करके हम खोल देते हैं। खोलने के बाद अभी क्या करना है कि यहाँ से ये हमारा मिडिल वाला लाइन हो गया, इसके बाद का जो हमारा फोल्ड है, इस फोल्ड को अब पहले हम ऐसे करके हम एक फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। चूँकि फोल्ड तैयार ही, बस अरेंज कर रहे हैं पेपर को। इसके बाद क्या करना है, सेम हम इधर भी करेंगे। यहाँ से जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम इधर की तरफ हम पहले ले आते हैं। लाने के बाद अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अब ऐसे करके एंड इस पार्ट को इस प्रकार से ऐसे करके अरेंज करना है। तो अभी हम दोनों साइड से फोल्ड किए हुए थे, इसलिए अच्छे से अरेंज हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता। सेम हम इधर भी करेंगे। पहले इस पार्ट को इधर लाना है, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए ये आपका इस प्रकार से अरेंज करना है, और इसको इस प्रकार से ऐसे करके हम
पुश कर देते हैं ताकि हमारा इस प्रकार से पेपर हमारा सेट हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं अंदर से हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, साइड व्यू हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से आपको भी दिखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फोल्ड आपको तैयार करना है नीचे की तरफ। तो ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से करना है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जब इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आके पेपर आपका रुक जाएगा, क्योंकि यहीं तक आपका फोल्ड है। इस प्रकार से कि इससे ज़्यादा करेंगे तो और क्या होगा कि पेपर ही फट जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको पेपर को हाफ फोल्ड या फिर इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने का यहाँ से एक फोल्ड आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे करना है, फिर एक फोल्ड आपको ऐसे कर देना है। सेम फोल्ड हम इधर बैक साइड से भी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से ऐसे करके हम एक फोल्ड तैयार कर लेते हैं। तैयार करने का यहाँ से यहाँ का हाफ फोल्ड एंड फिर से यहाँ से यहाँ का एक हाफ फोल्ड। तो बस इतना ही काम हमको करना है। ये काम करने के बाद अब आपको क्या है कि एक पार्ट एक हाथ से इधर हम पकड़ेंगे, एक हाथ से हम इधर पकड़ते हैं। जब हम पकड़ेंगे तो ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बर्ड के लिप्स के जैसा आपका बन चुका है। लेकिन आपको बनाना है मतलब कि एक आदमी का लिप्स बनाना है, औरत लेडीज का लिप्स बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑलरेडी आपका फोल्ड किया हुआ है, बस उसी फोल्ड पे क्या करना है, इस पेपर को अब अरेंज करना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फोल्ड आपका ये दिख रहा है, इस फोल्ड को क्या करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे पुश करेंगे, ऐसे करके आप इसको पलट देंगे। उसी फोल्ड पर बस पलट देना है तो आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये पेपर इधर की तरफ चला आएगा और जो अंदर से कलर पेपर है वो बाहर निकल जाएगा। सेम हम इधर भी करेंगे, ये फोल्ड पे हम क्या करेंगे इस पेपर को बाहर की तरफ हम पलट देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपका हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉर्नर के जैसा ये बन गया है, जो कि हमको कॉर्नर नहीं चाहिए। तो एक और आपने लास्ट में फोल्ड किया था वो फोल्ड आपको ये वाला दिख रहा है। तो इस पेपर को आपको अंदर की तरफ इस प्रकार से ऐसे फोल्ड कर देना है एंड सेम इधर से भी आपको इसी प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर देना है। इस प्रकार जैसे ही आप फोल्ड तैयार करेंगे क्या होगा, लिप्स बन के रेडी हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट लगभग हो चुका है, लेकिन इसको क्या करेंगे ऐसे करके और इसके बाद इसको अच्छे से ऐसे करके पुश कर देंगे ताकि ये कभी भी खुले नहीं। इस प्रकार से अच्छे से पुश कर देंगे। ये क्राफ्ट आपका बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको इस प्रकार से हम प्ले करते हैं तो देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है, लिप्स देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चूंकि दो कलर का पेपर यूज हुआ है इस वजह से ये बैकग्राउंड हमारा व्हाइट कलर एंड लिप्स हमारा पिंक कलर, तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। तो इस क्राफ्ट को बनाना आसान है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको बस दिमाग लगाना है, बीच में कहाँ पे कैसा फोल्ड करना है नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड करते चलेंगे तो आपका ये क्राफ्ट आसानी से बन जाएगा। अदरवाइज क्या है कि आप बनाते चलेंगे लेकिन बीच में आपका फोल्ड ही समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हम बताए हैं उस टाइप से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, आपका इस प्रकार का क्राफ्ट आपका बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे एंड बनाने का भी प्रयास करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।